सो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए अपडेट के बारे में जो कि शौचालय रिट्रोफिटिंग से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं कि ये जो नया अपडेट है वो क्या है। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि यूपी सरकार के आदेशानुसार पंचायत सहायकों द्वारा जो शौचालय पहले बन चुके हैं उनका यूपी पंचायत सहायक ऐप के माध्यम से रिट्रोफिटिंग सर्वे किया जाना है। इसे लेकर एक लेटर आया है जिसे मनोज कुमार सिंह जी, जो कि अपर मुख्य सचिव है उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने भेजा है सभी जिलाधिकारी को। और उसमें यह उल्लेखित है कि ODF की स्थिति को बनाए रखने के लिए जो शौचालय पहले बन चुके हैं और किसी कारणवश जो है ये उपयोग में नहीं आ रहे हैं तो उनका जो है रिट्रोफिटिंग सर्वे किया जाना है। तो जैसा कि शौचालय रिट्रोफिटिंग सर्वे से रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे एक बार देख लीजिए। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि शौचालय मरम्मत के लिए जो है 5 से 6 हज़ार की धनराशि लगभग आने वाली है, जो कि मुझे एक्चुअल नहीं पता थी, बट अब इस पत्र के माध्यम से जो है वो क्लियर हो चुकी है। तो शौचालय के मरम्मत के लिए जो धनराशि है वो अधिकतम जो है 5 हज़ार रुपये है और उसे कई भागों में जो है बांटा गया है। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ कि इसमें जो है सुपर स्ट्रक्चर मरम्मत कार्य के लिए जो है प्राकृत धनराशि जो है 5 हज़ार है, और ऐसे शौचालय जिनकी बाहरी दीवारों पर प्लास्टर है और अंदर नहीं है, सिर्फ बाहरी दीवारों पर प्लास्टर है तो अंदर प्लास्टर के लिए उसको 1812 रुपये आने वाले हैं। ऐसे शौचालय जिनके आंतरिक दीवारों पर सिर्फ प्लास्टर है, यानी कि बाहर है अंदर है और बाहर करवाने हैं, तो उसको भी 1812 रुपये आने वाले हैं। और ऐसे शौचालय जिनके बाहरी एवं आंतरिक दोनों दीवारों पर जो है प्लास्टर करवाया जाना है तो उसे जो है 3625 रुपये की धनराशि आने वाली है। उसके बाद देखते हैं कि ऐसे शौचालय जिनमें छत नहीं है उसमें छत लगवाना है तो उसके लिए जो है 1800 रुपये की धनराशि प्राकलित की गई है। फिर देखते हैं आगे कि ऐसे शौचालय जिनका जो है फर्श जो है टूट चुका है और उसे मरम्मत किया जाना है तो उसके लिए 550 रुपये की धनराशि प्राकलित है। फिर ऐसे शौचालय जिनके सीट टूट चुके हैं और उसे बदला जाना है तो सीट के लिए जो है प्राकलित धनराशि है वो है 1650 रुपये। और ऐसे शौचालय जिनका दरवाज़ा टूट चुका है जिसे बदला जाना है तो उसके लिए जो प्राकृत धनराशि वो है 1500 रुपये। उसके बाद आगे देखते हैं कि ऐसे शौचालय जिसका चेंबर नहीं बना है या टूट चुका है तो उसके लिए जो है 500 की धनराशि प्राकृत है। और ऐसे शौचालय जिनके एक गड्ढा या उसमें दूसरा गड्ढा जो है एक गड्ढा है और दूसरे गड्ढे के निर्माण हेतु, क्योंकि आप लोगों को पता है कि शौचालय में 2 गड्ढे होने चाहिए तो अगर एक गड्ढा है तो दूसरे गड्ढे के निर्माण हेतु इसमें जो है 4850 रुपये की धनराशि प्राकलित है। उसके बाद है कि सेप्टिक टैंक होने की दशा में आउटलेट पर लीच पिट का निर्माण हेतु, जैसे कि जो सेप्टिक टैंक होता है अगर वैसा आपका गड्ढा है तो उसमें लीच पिट के निर्माण हेतु जो है 4850 रुपये की धनराशि प्राकलित है। फिर आगे है कि ऐसे शौचालय जिनके गड्ढा पर ढक्कन नहीं लगा है, गड्ढा तो है पर उस पर ढक्कन नहीं लगा है तो ढक्कन के लिए जो है 1700 रुपये की धनराशि प्राकलित की गई है। और ऐसे शौचालय जिनके प्रयोग हेतु पानी की टंकी नहीं बनी है तो इन शौचालय के लिए जो है 2000 की धनराशि जो है प्राकलित की गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सभी जैसे जैसे शौचालय है, किसी का गेट नहीं है, किसी का छत नहीं है, किसी का फर्श टूटा है, तो सबके लिए जो है निश्चित धनराशि जो है आवंटित की गई है। परंतु व्यय की जो अधिकतम सीमा है वो सिर्फ 5000 तक ही है, जैसे कि इसमें जिसे आप अगर जोड़ दें तो 4850 रुपये केवल गड्ढे के लिए हो जाता है, और किसी का अगर गड्ढा और सीट दोनों टूटा हो तो सीट के लिए जो है अगर देखा जाए तो उसमें 1650 रुपये है, तो 4800 और 1600 जो है आपका लगभग 6500 के आसपास, 6400 रुपये के आसपास हो जाता है। तो इसमें जो है आपको अगर दोनों टूटा है तो आपको 6400 रुपये नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसकी जो अधिकतम व्यय सीमा है वो सिर्फ 5000 है। अगर इससे ज़्यादा की धनराशि लगती है तो लाभार्थी उसका खुद जो है वहन करेगा। तो अब हम लोग समझेंगे कि इस रेट्रोफिटिंग सर्वे से लेकर मरम्मत कार्य हेतु जो पैसा आएगा उसकी जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार है। तो जो सबसे पहले जो है रेट्रोफिटिंग सर्वे के बाद व्यक्तिगत शौचालय में काम जो कराया जाना है उसकी एक सूची तैयार की जाएगी, और उसके बाद GPDP के अंतर्गत उसको सप्लीमेंट्री प्लान के रूप में उसको ऐड किया जाएगा। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या ये पैसा जो है लाभार्थी के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएगा। तो इसे लेकर जो है पत्र में लिखा गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसमें लिखा गया है कि रेट्रोफिटिंग कार्य एवं व्यय संबंधी ग्राम पंचायत द्वारा वित्त आयोग के टाइड फंड के अंतर्गत उपलब्ध सैनिटेशन मद की धनराशि से ई ग्राम स्वराज के माध्यम से किया जाएगा। तो रेट्रोफिटिंग कार्य का जो भी खर्च है, जो भी व्यय है, वो संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा वित्त आयोग का जो टाइड फंड होता है और उसमें जो सैनिटेशन मद की जो धनराशि होती है उसी से की जाएगी। तो उसके बाद जो है इसमें आगे लिखा गया है कि रेट्रोफिट किए गए समस्त शौचालयों का फोटोग्राफ
ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर संबंधित पंचायत सहायकों द्वारा अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाएगा। और साथ ही रेट्रोफिटिंग हेतु जो स्वीकृति देने की प्रक्रिया है, जो अप्रूवल उसे देना है, उसकी भी व्यवस्था जो है पंचायत सहायक ऐप के माध्यम से की जा सकेगी। अब इसमें एक प्रश्न ये आता है कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर जो फोटोज अपलोड करने हैं, तो क्या जब हम सर्वे करने जा रहे हैं तभी उस फोटो को ले लें? तो मेरे हिसाब से तो ऐसा करना बिल्कुल अभी सही नहीं होगा, क्योंकि सरकार जो है आगे बताएगी कि उसे जियो टैगिंग करना है या किसी स्पेशल किसी ऐप के माध्यम से उस फोटो को लेना है। तो अभी जो है नॉर्मल कैमरे से फोटो लेना तो सही नहीं है, क्योंकि दिक्कत यह है कि अगर आप फोटो ले लेते हैं तो फिर आपके ऊपर मेंटली प्रेशर जो है गाँव वाले बनाए रखेंगे, क्योंकि वो डेली पूछेंगे कि कब आएगा पैसा, कितना आएगा पैसा। तो इस तरह की काम आप बिल्कुल ना करें। साथ ही इस पत्र में ये भी उल्लेखित है कि अगर इस सर्वे में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है, कोई भी फर्जीवाड़ा पाया जाता है, तो उस ग्राम पंचायत के संबंधित पंचायत सहायक, ग्राम प्रधान और सचिव के ऊपर जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बाद क्या है कि रेट्रोफिटिंग सर्वे के बाद जो भी डेटा है उसको ब्लॉक स्तर पर एडीओ पंचायत के पास भेजा जाएगा, और एडीओ पंचायत जो है उसे अपने स्तर से उसका मूल्यांकन करके उसे डीपीआरओ के पास भेज देंगे। तो डीपीआरओ भी अपने यहाँ जो है त्रुटि उसमें न पाए जाने पर, यानी कि वो अपना मूल्यांकन करेंगे, और अगर उसमें कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है तो फिर वो उसे उस डेटा को मंडलीय उपनिदेशक के पास भेज देंगे, और इस प्रकार जो है ये एक प्रक्रिया पूरी होगी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस जो ये पूरी प्रक्रिया में जो है पंचायत सहायकों का एक अहम रोल होने वाला है। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग जो सर्वे करें वो एकदम साइट पर जाकर करें। कई पंचायत सहायक जो हैं घर से ही वो सर्वे कर दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें साफ पत्र में लिखा गया कि अगर इसमें कोई फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो उसके जो दोषी होंगे प्रधान होंगे, आप होंगे और सचिव होंगे। बट यहाँ बात ये आती है कि सर्वे हमने किया है तो जो सचिव और प्रधान है वो भी अपना पल्ला झाड़कर हमें दोषी ठहरा देंगे। तो आप लोग जो है इस सर्वे को साइट पर जाकर ही करें, उसे देखकर करें, और अगर बाय द वे आपने किसी सर्वे को कर दिया है और आप उसे सुधारना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे देख लीजिए और आप उसे सुधार कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और रोजाना ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बगल का बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।